एवरीवन नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी बजे हैं 4:30 और मैं बनाऊंगी अभी पंजीरी। तो पंजीरी की जो रेसिपी है वो बहुत ही इजी है। तो उसमें धनिया, हम कच्चा नारियल लेंगे, उसे कद्दूकस करेंगे और गोंद जो होता है उसको घी में फ्राई करेंगे और फूले बनाएंगे। और धनिया पाउडर और पीसी शक्कर को मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन ऐड किया है ताकि बहुत टेस्टी हो जाए। और उसे सारे चीज़ों को, जितने भी मैंने यहाँ पर सामान लिया, उन सबको मिक्स करेंगे तो पंजीरी रेडी हो जाएगी। और कृष्ण जन्माष्टमी को हम कैसे, मतलब यहाँ पर मैं जोधपुर में किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ वो आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो कॉलोनी मंदिर में भजन रखते हैं, फिर रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है। तो उसके बाद में भगवान की भोग लगता है और जो भी भक्त जन आए हैं, जो भी कॉलोनी वासी वहाँ आए हैं, उन सबको प्रसाद दिया जाता है। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन हम करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को, तो वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले पंजीरी बनाना और उसके बाद फिर मिलूंगी। पंजीरी बनाने के बाद मैं मिलूंगी सीधे आपको रात को जब मैं मंदिर जाऊंगी। तो ओके, स्टार्ट करते हैं पंजीरी बनाना। अभी मैं आई हूँ लिविंग रूम में और अभी हुए हैं, अभी बजे हैं 8 और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 9:30। तो मंदिर में जो प्रोग्राम है जन्माष्टमी का वो स्टार्ट होगा 9:30 पे, तब जाएंगे या उसके बाद जाऊंगी मैं। और एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने सोहम का जो ऑनलाइन एक्टिविटी हुई थी वो मैंने पोस्ट किया, आपने देखा या नहीं देखा। तो उसने बहुत अच्छा भजन बताया। आजकल पता है ना कि जब बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी ऑनलाइन होती है। तो उसमें था कि आप जन्माष्टमी पर बच्चे को कृष्ण बनाकर आप भजन बुला सकते हैं या कोई जय श्री कृष्ण बुला सकते हैं, डांस करवा सकते हैं। तो सोहम की जो एक्टिविटी मैंने कराई थी उसमें उसने भजन बोला है, तो वो जो वीडियो है मैंने पोस्ट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। बच्चों का वीडियो बनाना इज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बच्चों को। तो उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटे लग गए। कभी पोज अच्छा नहीं दे रहा, कभी भजन अच्छी तरह से नहीं बोल रहा था। तो जिन लोगों के छोटे बच्चे, उन्होंने बिल्कुल पता होगा कि बच्चों से कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन करवाना रियली डिफ़िकल्ट टास्क है। पर लास्ट में फाइनल उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसने जिस तरह से कर दिया बोल दिया और मैंने वो अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ गाइस देखना, आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहे, कुछ कमी है तो मुझे प्लीज़ बताइए, उसे दूर कर सकूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे और भी वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं सीधे मिलूँगी आपको मंदिर में।